नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टैक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिया के बारे में कि यूरिया का प्रयोग करने के बाद पौधों को उसे उठाने में या ग्रहण करने में कितना टाइम लगता है, या सिंपल भाषा में बोले तो पौधा यूरिया को कितने समय में खाता है और कितना यूरिया बर्बाद हो जाता है। इससे रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि सभी किसानों को यूरिया का प्रयोग करने से पहले जानना, सीखना, समझना जरूरी है। तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साधारण रूप से पौधों को किसी भी पोषक तत्व को मिट्टी से ग्रहण करने में कितना टाइम लगता है, ये निर्भर करता है कि फसल कौन सी है, हवामान, मिट्टी में नमी जैसी बातों के ऊपर। यूरिया की बात करें तो वो पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। तो आपको बता दूं कि जिस फॉर्म में यूरिया का प्रयोग हम अपने खेत में करते हैं, उसे पौधा डायरेक्ट नहीं खाता या नहीं खा पाता। मिट्टी में यूरिया डालने के बाद तुरंत ही कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके चलते एमोनियम आयन का कुछ हिस्सा एमोनियम गैस के रूप में हवा में उड़ जाता है, और कुछ हिस्सा पानी के साथ जमीन में गहराई तक उतर जाता है, जिसे पौधों की जड़ें ले नहीं पाती। और साथ साथ यूरिया जमीन में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ मिलकर एमोनिकल नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में रूपांतरित करते हैं, बाद में उसे पौधे ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को ही वैज्ञानिक भाषा में नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लगने वाला समय तापमान और मिट्टी में नमी के ऊपर निर्भर करता है, और जनरली यह प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाती है और 2 से 5 दिनों में पूर्ण हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ठंड वाली स्थिति में और जल भराव वाली स्थिति में यूरिया की यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ठंडे मौसम में और पानी भराव की स्थिति में यूरिया का रिजल्ट थोड़ा देरी से मिलता है। और आपको बता दूं कि नाइट्रोजन युक्त खाद की कार्यक्षमता केवल 30 से 50% जितनी ही होती है, मतलब कि 50 से 70% जितना नाइट्रोजन हवा, पानी और जमीन में लॉस हो जाता है, जो पौधों को नहीं मिल पाता। अब यूरिया के प्रयोग के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली कुछ बातें कि हो सके तो नीम कोटेड यूरिया का ही प्रयोग कीजिए। यूरिया का या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग फसल के अनुसार सिफारिश की गई मात्रा में ही करें, और फसल को पूरी मात्रा एक साथ ना देकर फसल अवधि के अनुसार 2-3 बार हफ्तों में देना चाहिए। नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत फसल को बढ़वार अवस्था में ही होती है। यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए ध्यान रखिए कि प्रयोग के दौरान मिट्टी में उपयुक्त नमी होनी चाहिए या प्रयोग के तुरंत बाद पानी मिल जाना चाहिए। सूखी मिट्टी में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और एक खास बात कि फसल में यूरिया का प्रयोग खरपतवार को हटाने के बाद ही करना चाहिए, और यदि खरपतवार को नियंत्रित करना संभव ना हो तो ऊपर से यूरिया का या नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। इससे फसल दब जाएगी और खरपतवार मुख्य फसल बन जाएगी। तो इन सभी बातों को भी ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।